Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है और इसके पहले 27 यानी 2.3 में भी वो क्वेश्चन का डील हो चुका है, ठीक है। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत तो आपको नहीं होगी। ये बायक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, बायक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूट्स 4 होते हैं लेकिन हमको दो रूट्स देकर रखा है और दो आपको फाइंड करने हैं, ठीक। तो हम क्या बोले थे उसमें पहले वाला एक्सरसाइज में कि जो दो रूट्स होता है उससे हम एक पॉलीनोमियल कंप्लीट करते हैं, उस पॉलीनोमियल को इस गिवन पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन जो बचता है क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, उस पर दो और रूट्स हमको मिल जाता है, दो जीरो जार मिल जाते, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। तो हम यहां से चलते हैं सॉल्यूशन में। गिवेन पॉलीनोमियल या फिर गिवेन दैट px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 हैज टू जीरोज हैज टू जीरोज आर अल्फा इक्वल टू एक ले लेते हैं 2+√3 एंड बीटा इक्वल टू 2-√3 है ना, ये देख रखा है। तो इस कारण से अगर हम यहां से क्या निकाले जीएक्स निकाले तो जीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है x² - x(α+β) और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का। तो यहां से क्या हो जाएगा x² - x(α+β) यानी 2+√3 और प्लस बीटा प्लस 2-√3 होगा ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2+√3 और इंटू 2-√3। देखिए बच्चों यहाँ प्लस 3-3 कैंसिल, बचा क्या x² - 2 2 4 4x और यहां क्या बचा, यहां हो गया a+b a - b a² - b² इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। देखिए x² - 4x और +1 ये आ गया क्या आपको gx आ गया, ये क्या आ गया आपको gx आ गया, ठीक है ना, ये gx आ गया। अब हम क्या करते हैं यहां से कि gx को px से डिवाइड करवाते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करवाते हैं, ठीक ना। चलिए नाउ px इज डिवाइडेड बाय gx, देन वी गेट क्या मिलता है, ठीक है। तो आइए जगह का कमी है इधर तो हम इधर ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा x² - 4x + 1 को डिवाइड करें किससे, x²-6x³-26x² + 138x और -35, यही ना। देखिए बच्चों यहाँ x² है x² को x² के इक्वल करने के लिए x² लाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, x² से स्टार्ट करेंगे, x² से होगा तो x⁴, x² से होगा तो -4x³ और 4x³ और x² से 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा x² साइन चेंज होगा -+- ये कैंसिल हो जाएगा तो -2x³ होगा है ना, और ये हो जाएगा -27x² और +138x हो जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ x² है यहाँ x³ है तो पहले x -2x है तो -2 भी तो -2x है ना, तो -2x³ -2x को -4x से तो -+8x² -2x को +1 से तो -2x और ये हो जाएगा +-+ ये कैंसिल, ये हो जाएगा दोनों माइनस में है तो -8735x² और ये दोनों प्लस में तो 140x और -35 है ना। चलिए -35 एक्स्ट्रा है यहाँ पे x² यहाँ भी x² सेम है तो -35 से लगाएंगे
-35 से, तो -35 से लगाओगे तो -35 स्क्वायर हो जाएगा, -35 इंटू 4 तो माइनस माइनस प्लस 140x, 140x और माइनस इंटू प्लस -35, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो बचा, रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। ठीक है, जब रिमाइंडर जीरो बचता है तो यहां से हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। ठीक है, तो आइए हम ऐसा करें कि इधर का हम थोड़ा डिलीट करें और फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए यहां तक मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता और क्या करता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो यहां से लिखेंगे सिंस वी नो दैट है ना, बाय ईडीएल बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा पीएक्स इक्वल टू ये क्या है, ये था पीएक्स, देखिए ये क्या था पीएक्स, ये क्या है जीएक्स, ये क्या है जीएक्स है, तो क्या हो जाएगा पीएक्स इक्वल टू जीएक्स, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और प्लस रिमाइंडर, यही इक्विलेट डिवीजन लेमा होता है। और जब ये होता है तो हम यहां से निकाल रहे हैं क्या, जीरो निकाल रहे हैं, किसका पॉलिनोमियल का, px का, तो px का जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल लाना होगा, है ना, तो लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ px, है ना, px इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये px जीरो हो जाएगा, है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि gx ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू जीरो, यही देखिए हम बोले थे फैक्टराइज इसी को करना है, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35 इक्वल टू जीरो। तो और आगे चले, x ब्रैकेट होगा तो x माइनस 7, यहां से 5 कॉमन होगा x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, यहां से x माइनस 7 को फिर से कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू जीरो, इस कारण से हम कर सकते हैं कि x इक्वल टू 7 एंड माइनस 5, x इक्वल टू 7 एंड माइनस 5, तो टोटल जीरो कितने हो गए, टोटल जीरो हो गए 4, पहले से 2 था, जीरो हमारे कौन कौन, यहां मैं लिख दूं, यहां भी मैं लिख दूं, जीरोज ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल इक्वल टू, एक हो जाएगा 2+√3, एक हो जाएगा दिमाग में आता है पहले तो लिखा भी जाता है पहले 2-√3, फिर हो जाएगा 7 और हो जाएगा 1-5, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपको ये होता है, आपको मोटा मोटी इस क्वेश्चन में फिर से क्या करना है मैं बता देता हूं, पॉलिनोमियल का 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो से जीएक्स बनाना है, जीएक्स से आप क्या करेंगे पीएक्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा कोसेंट को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद 2 आंसर मिलेगा, 2 जीरो जाएगा क्योंकि वो जो आपको ये कोसेंट आएगा वो क्या होगा क्वालिटी पॉलिनोमियल होगा, तो क्वालिटी का 2 ही आंसर आता है, वही जो 2 आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, यही है इसका मेन फंडा है, तो इसको आप बना लेना है, एक दो बार बनाना है, देखिए 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं ये फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको अच्छे से बना के रखना है। हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ओके,